हर पार्टी हर संगठन आरक्षण को लेकर अपनी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक बात करते हैं। उसी कड़ी में मुंबई के प्रेस क्लब में आयोजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे प्रकाश अन्ना सेड़गे ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि वह पिछले कई वर्षों से एनसीपी के राज्य क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के लिए काम कर रहे थे। इस पार्टी ने उन्हें सम्मानजनक पद दिया और लोगों की सेवा करने का मौका भी दिया। प्रकाश बताते हैं कि जब से महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा सत्ता में आई है, ओबीसी और पिछले वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस सरकार की गलत नीति से आरक्षण खतरे में है। आरक्षण के संरक्षण के लिए उनके नेतृत्व में आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इसके लिए वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। आरक्षण की वजह से ये मराठा आरक्षण का SC BC करके OBC में ही आरक्षण देने का पाप जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसके खिलाफ में अब सारे जमात ने मिलकर इकट्ठा होकर निर्णय लिया है, अब की बार हमारा और जो है, हमारा जो विचार है, आचार है, हमारी जो विचारधारा है, जो OBC का आरक्षण को संरक्षण करेगा, ऐसे ही उम्मीदवार को हम लोग चुन के देंगे। इसलिए स्वतंत्र पर्याय जो है महाराष्ट्र में एक बड़ा पॉलिटिकल पर्याय हम खड़ा करने जा रहे हैं। हर एक लोकसभा चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होगा, हर एक चुनाव क्षेत्र में ये OBC भटके मुक्त और धनगर समाज का आरक्षण की जो सपोर्ट करेगा उसी को ही ये OBC और धनगर समाज जो है भटके समाज है वो वोटिंग करेगा। इसलिए ये होने वाले लोकसभा के चुनाव में हर एक चुनाव क्षेत्र में ये OBC और VJNT धनगर समाज का कैंडिडेट जो है कैंडिडेट पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारा वोट जो है इसके बाद में हम फोकट में जाने नहीं देंगे। जो हमारा वोट है हमारा नेता को देंगे, हमारा कार्यकर्ता है, जो ये आंदोलन से जो कार्यकर्ता आगे चलता है उसी के पीछे ही ये पूरा समाज जो है पूरी अपनी वोट बैंक जो है 65% वोट बैंक है महाराष्ट्र में ये OBC VJNT धनगर समाज की है। और ये पूरी वोट बैंक के साथ में हम ये महाराष्ट्र के चुनाव के रणक्षेत्र में जो है हम कूद कर रहे हैं। हमें आशा है कि इसके बाद में ये महाराष्ट्र के चुनाव जो होगा लोकसभा में जो MP करके चुन के जाएगा ये OBC और भटके उमुक्त और धनगर समाज के विचारधारा का ही उम्मीदवार वहाँ जाएगा, ऐसा पूरा प्रबंध हमने किया है। पूरी ताकत के साथ में ये चुनाव जो है ये हमारा पूरा संगठन जो है जिसका नाम है OBC VJNT संघर्ष समिति, इस माध्यम से जो है ये संगठन के माध्यम से ये चुनाव जो है ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। इसलिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष पद मेरे पास में है, ये इतना बड़ा जिम्मेदारी कल उन्होंने मेरे कंधे पे पूरा नेतृत्व दिया है, तो ये पूरा नेतृत्व इतना बड़ा पद मुझे दिया है ये सारे समाज ने मिलकर, तो इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पद का ये छोटा सा पद है जो प्रदेश उपाध्यक्ष पद है वो पद का मैं त्याग करने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी एक पक्ष के चौकट में रह के मैं ये समाज को न्याय नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैंने इस पद का इस्तीफा देने का भी निर्णय ले लिया है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है वो चुनाव में जाकर ही होगी या किसी पार्टी या कमीशन। देखिए ऐसा है, ये जो आरक्षण है नरेंद्र मोदी जी ने भी विकास की बात की थी, अभी इलेक्शन के समय में उन्होंने आरक्षण का उनको सहारा लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा, अभी विकास का बात छोड़ के अभी आरक्षण पे आ गए, सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया है, मांग नहीं है, मोर्चा नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आरक्षण का सहारा लेना पड़ा। हम तो हमारा आरक्षण जो है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर घटना ने हमें दिया है उसका संरक्षण हम करना चाहते हैं, अब उससे प्रेरित होकर हम इस ये चुनाव को जा रहे हैं कि हमारा जो भविष्य का हमारा जो ये जो आरक्षण है ये पूरा सुरक्षित रहना चाहिए। आज की जो महाराष्ट्र सरकार है इन्होंने आरक्षण के ऊपर बहुत बड़ा संकट पैदा किया है। महाराष्ट्र के जनता को उल्लू बना रहे हैं, भूल दे रहे हैं, भूल थाप दे रहे हैं। यहाँ पे मराठा समाज को भी उन्होंने भूल थाप दे दिया है, मराठा समाज को उन्होंने बैकवर्ड करके डिक्लेयर कर दिया है और सवर्णों का 16% आरक्षण दे दिया है। आप बात समझिए, सवर्णों का 16% और कैटेगरी बैकवर्ड कर दिया है, मतलब कैसे टिकेगा, ये टिकेगा नहीं है। इसीलिए तो ये साजिश है कि सवर्णों का 10% भी मराठा समाज को नहीं मिले और सवर्णों का 16% जो है वो बैकवर्ड कहने से वो भी उनको नहीं मिले। इसलिए मराठा समाज के साथ भी बड़ा धोखेबाजी ये महाराष्ट्र ने किया है। हमारा जो आरक्षण है अगर वो 16% आरक्षण नहीं अगर ये कोर्ट में टिकता है और टिकने वाला नहीं है तो ये मराठा समाज कहाँ जाएगा, आरक्षण कहाँ से लेगा, तो बैकवर्ड में आएगा, तो मतलब उनको OBC में से ही देना पड़ेगा। इसलिए OBC का आरक्षण जो है
ये महाराष्ट्र में खतरे में आ गया है और ये पूरा उसका जिम्मेदारी जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार की है। इसलिए ये सरकार को हम आने वाले चुनाव में हम घर का रास्ता दिखाने के लिए दूसरा कोई चारा हमारे पास नहीं है। हमारा ये संगठन महाराष्ट्र में है लेकिन हमने कल ये कह दिया है कि ये महाराष्ट्र में एक जो हम प्रस्ताव रखने जा रहे हैं, जो पर्याय हम दे रहे हैं पॉलिटिकल व्यवस्था को, वो संगठन जो है आगे बढ़ के अगर बाजू के स्टेट्स में भी अगर हो सकता है तो उसकी पूरी कोशिश करेंगे। एल्गार मोर्चा में इस मुंबई में जो उत्तर भारतीय जो है, जो ओबीसी है, जो पालगढ़िया है, उन्होंने हमें समर्थन दिया है कि ये आरक्षण की लड़ाई जो है इसमें वो हमारी पूरे साथ में रहेंगे और आखिरी दम तक वो हमारे साथ में लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो आरक्षण का मुद्दा जो है जैसा हमारा है वैसा उत्तर भारतीय भी जो पिछड़ा समाज है उनका भी ये मुद्दा है। ये लड़ाई साथ साथ में होगी तभी हम जीत पाएंगे। कोई जो मुद्दा है ये ओबीसी का, भटके हुए धरनर का, जो कोई उसकी बात करेगा, जो उसका समर्थन करेगा, उसका हर एक समर्थन हम लेंगे। आरक्षण ये जो आरक्षण जो है ये आरक्षण नीचे तक जाने दिया नहीं, जाने नहीं जाता है, जाने दें, क्योंकि ये जो है ये आरक्षण को जो है बीच में ही उसको कट करते हैं, कुछ जियाव निकालते हैं, पॉलिटिकल उस पर ये करते हैं, तो इसलिए ये सब जो खिलाफ में ही हमारा आंदोलन है। ये आंदोलन अभी शुरुआत हुई है, अभी देखिए कहाँ तक पहुँचता है वो आपको समझ बता देंगे। पूरा हमारा ये जो समाज है, पूरा भारत देश, हर एक नागरिक उनके पीछे डट के खड़ा है और कोई भी मुसीबत हो हम सब उसके पीछे, हम उसके डट से खड़े रहेंगे, उनको हम सलाम करते हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी का पूरा संगठन जो है, पूरी लोक संख्या जो है 65% ओबीसी है, 65%। तो आप ही गिन लीजिए 288 जो विधानसभा है उसमें 65% ओबीसी है। अगर ये ओबीसी इकट्ठा हो गया तो एक भी सीट नहीं जाएगा, सभी ओबीसी के एमएलए यहाँ चुन के आ सकते हैं। इवन एमपी में इधर 48 मतदार संघ है खासदार के लिए, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में 65% ओबीसी है। आप सोच लीजिए वो जागरूक हो जाएगा तो कोई भी एमपी चुनकर दूसरा नहीं आएगा। एक आपके सामने अगर ओबीसी में बड़ा सवाल है, ओबीसी एससी एसटी से, ओबीसी एससी एसटी से 480 मिलेंगे 800 लोग। ओबीसी में खाली जो फंसाने वाले लोग नहीं है, वो सीधे लोग है, गरीब लोग है। हम लोग गरीब जरूर है मगर जो जनसंख्या है उसमें बहुत रीच है, हर एक से ज्यादा रीच है। इतना बड़ा भी कोई नहीं। अब के बार हम कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा मैसेज लोगों तक ले जाएंगे, वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू बस।